journey for every actor, every performing artist. And yes, we were all raw stars, and there is a beginning. It's been a wonderful journey. God has been very kind. The audiences have loved me a lot, and that's why I'm here for so many years. And I think it's the media love too. So I guess I'm one of those blessed ones who's here. From a raw star, I have been a household name, so I'm very, very fortunate. Media love की बात की अभी आपने थोड़ी देर पहले, पर ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं पे मीडिया को प्यार कर रहे हैं? 3 घंटे से आपकी एक फ्लाइट के लिए रुके हैं सर। अच्छा, मैं तो बहुत देर से वेट कर रही हूँ खुद भी वैन में, इसके बारे में तो मुझे तो नहीं पता है। Yeah, because I have come here at 5 PM. Yeah, but I was supposed to be ready at 7. So, it's not my fault. I'm never bad with time. देखिए, रॉ का मतलब स्पेशली फॉर दिस इंडियाज रॉ स्टार इज अबाउट दीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हु हैव डेफिनेटली डन समथिंग इन देयर फील्ड्स एंड दे आर गिवन दिस बिग नेशनल पोडियम टू शोकेस देयर टैलेंट एंड बिकम अ ह्यूज ह्यूज सुपरस्टार. So they are already people who are performing artists, and they have the charisma, they have the talent, they are great singers, musicians, performers, composers, writers. So they have a lot of talent, and I think this particular contest is giving them a podium to become superstars. Ma'am, Preacher ke agar baat kare to us movie ne kafi hype bana diya hai, kafi acha ek response aapko mila hai. To aapko kya lagta hai, aapko jo ye abhi filmein ban rahi hai, jaise koi mardani matlab female protagonist, to aapko acha hai ki aapko aisa lagta hai ki industry mein ab wo golden period aa gaya hai jahan heroines ko bhi barabar ka darja milta hai? ये बहुत स्वीट बात की आपने, लेकिन ये बातें हर साल होती है. मैं बहुत सालों से इस बिज़नेस में हूँ, हर साल 2-3 फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली फिल्में चलती हैं, और यही बात होती है कि इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर वुमेन एक्टर्स. आई रियली विश इट वुड बी ट्रू. इट्स गुड, यू नो, इट्स नॉट बैड. अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर फीमेल एक्टर्स विद एवरी पासिंग ईयर, बट द पेस इज़ वेरी स्लो. तो अगर बात करें जी, देखिए, हनी सिंह हैज़ द मैजिक टच, ही इज़ द मैन, मिडास मैन ऑफ म्यूज़िक. तो डेफिनेटली करना चाहूँगी, क्योंकि उनके गाने बहुत पॉपुलर होते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं. यू कैन रियली डांस टू देम, ही इज़ गॉट अ ग्रेट ग्रूव इन ऑल हिज सॉन्ग्स. एंड या, आई विल बी फूलिश इफ आई डोंट वांट टू डू इट. देखिए, मैं मिली नहीं हूँ हनी से कभी भी, आज पहली बार मिलूंगी. But he has got a very good personality, which reflects on the show and also in all his songs. He looks good. Badmashi to thodi honi chahiye, varna kya maza hai? Har thodi si badmashi achhi hoti hai logon mein. So Bipasha, badmashi ki baat. आप इतना फिल्म को प्रमोट करें, कहीं आप रायपुर गए हैं, अभी आप इस शो में हैं, तो आपको ये प्रमोशन से क्या आप तंग नहीं होती है, आपको और एक्साइटमेंट होती है? देखिए, एक बात कहती हूँ, अगर आप अटैच्ड हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, आपको विश्वास है आपने अच्छा काम किया है, और ऑडियंसेस एंटरटेन होएगी. एंड स्पेशली फॉर फिल्म लाइक क्रीचर, जो एक नई फिल्म है, जिसको एक्चुअली ऑडियंस को अंदाज़ा नहीं है कि क्या फिल्म है. मुझे लगता है जो क्रीचर का फर्स्ट शो लगेगा, वो उसका बेस्ट प्रोमो होगा. यू नो, दैट्स गोइंग टू एस्टैब्लिश व्हाट काइंड ऑफ अ फिल्म इट इज़. क्योंकि यूट्यूब में देख के, यहाँ देख के, आप लोग को कुछ